कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार की रात्रि में दरोगा के लड़के की गोली मारकर हत्या करने में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को तरंग ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दिनेश कुमार पासवान उर्फ मुन्ना पुत्र रामचंद्र पासवान निकट दुर्गाबाड़ी रोड निकट गंगेज होटल थाना कोतवाली गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 5 जुलाई को वादनी की तहरीर के आधार पर मुन्ना काजन मिश्रा शैलेंद्र यादव प्रदीप सिंह पुत्रगण सहित निवासीगढ़ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई को मजरूब रोहित सिंह पुत्र रामाकांत सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट ताड़ी बड़ागांव पुरैनी थाना नगरा जिला बलिया हाल मोहल्ला इलाहीबाग थाना तिवारीपुर गोरखपुर को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इलाज हेतु लखनऊ ले जाते समय मृत्यु हो गई, जिसके फलस्वरूप घटना में अभियोग की धारा को परिवर्तित करते हुए नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें बनाकर दबिश दी गई, जिसके फलस्वरूप इस अभियोग में नामित अभियुक्त दिनेश कुमार पासवान उर्फ मुन्ना पुत्र रामचंद्र पासवान निवासी दुर्गाबाड़ी रोड निकट गंगेज होटल थाना कोतवाली गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ करने पर बताया गया कि कल हम लोग मानस टाकीज के पीछे शैलेंद्र यादव के मकान पर दावत खा रहे थे, उसी समय हमारे दोस्त काजन मिश्रा पुत्र स्वर्गीय राम बिहारी मिश्रा निवासी अलीनगर चौबे टोला थाना कोतवाली गोरखपुर द्वारा एक व्यक्ति रोहित सिंह पुत्र रमाकांत सिंह निवासी मोहल्ला इलाहीबाग थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर जो मूल रूप से ग्राम ताड़ी बाड़ा गांव पुरैनी थाना नगरा जिला बलिया के रहने वाले हैं, गोली मार दिया था तथा काजन मिश्रा और रोहित सिंह के बीच रुपए व जमीन की लेन देन को लेकर काफी दिनों से मनमुटाव था, इसलिए हम लोग एक राय होकर रोहित सिंह को जान से मारने के उद्देश्य से ही दावत के बहाने शैलेंद्र यादव के घर बुलाए थे, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक अजीत कुमार चतुर्वेदी, धर्मवीर सिंह, चंद्रभान सिंह, कांस्टेबल अरविंद कुमार यादव, मंतोष यादव, प्रवीण कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, शैलेंद्र यादव क्या ऐसे जो कोतवाली सुनने में आ रहा कि गाजीपुर में और अन्य पता कराएंगे शाम तक हो जाएगा जो तीन लोग आरोपी फरार है जो गिरफ्तारी के लिए का इनाम नाम भी रखा जा रहा है। पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में कल रात्रि को सूचना मिली कि एक अभियुक्त जो कि हत्या का अभियुक्त है और भाग रहा है, उसको थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार किया गया है। घटना होने के 24 घंटे के अंतर विदिन 24 आवर्स उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना 4 तारीख की शाम को 11:30 बजे की है, जब 4 दोस्त अपने एक शैलेंद्र यादव के घर के बाहर बैठ के पार्टी कर रहे थे। उसी पार्टी के बीच में काजन मिश्रा नाम के व्यक्ति द्वारा रोहित सिंह नामक दोस्त को सीने में गोली मारी, उसकी वजह से वो घायल हो गया। घायल होने के बाद उसको BRD मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, यहाँ से लखनऊ रेफ़र किया। रास्ते में उसकी अगले दिन 5 तारीख को सुबह को 9 बजे उसकी मृत्यु हो गई। थाना कोतवाली में 302 का मुकदमा दर्ज हुआ एवं 4 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। उनमें से एक व्यक्ति जिसको अभी दिनेश कुमार पासवान और मुन्ना जिसको थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्त अभी वांछित है, उनके खिलाफ धरपकड़ जारी है। शीघ्र ही उनके भी गिरफ्तारी कर उनको भी जेल भेजा जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, जिसमें काजन मिश्रा जिसने गोली चलाई और रोहित सिंह जिसको गोली लगी, दोनों आपस में गहरे मित्र हैं, बचपन के मित्र थे। इनके बीच में 5,20,000 रुपये के लेन देन को लेकर गोली चली, जिसमें 2,00,000 रुपये नकद देना बताया गया है एवं 3,20,000 रुपये सोना गिरवी रख के उसने देना बताया।
गया है। अब ये पैसा कल रोहित सिंह द्वारा बताया गया कि मुझे आज का आज ही चाहिए पैसा, एवं बाद में रात में पार्टी के समय काजन मिश्रा ने पैसा ना देने या फिर उससे निपट लेने के चक्कर में उसको गोली मारी, जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। आरोपी का ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन CCTV से एवं अन्य सूत्रों से किसी अन्य जनपद या फिर अन्य प्रदेश में अगर कोई है तो उसका भी खुलासा किया जाएगा।